दिन 20 घंटे और 53 मिनट के करीब बचे हैं और ऑड इवन फार्मूला दिल्ली में लागू कर दिया जाएगा। 15 दिन ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया जाएगा। राजधानी में ऑड इवन फार्मूले को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दिल्ली सरकार की तैयारियों पर हमारे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव ने परिवहन मंत्री गोपाल राय से खास बातचीत की। हमारे साथ मौजूद है दिल्ली परिवहन मंत्री गोपाल राय जी। गोपाल जी, सबसे बड़ी बात की तमाम जो बातें हो रही है, एक्सपर्ट कह रहे हैं, उनका ये मानना है कि इवन ऑड के चक्कर में जो 1 से 15 दिन में गाड़ियां चलेंगी उसमें पोल्यूशन केवल मात्र 5% ही कम होगा। देखिए, अब एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं और उन्होंने कहां इसका अनुभव किया है मुझे नहीं पता। कार फ्री डे हुआ है और उस कार फ्री डे में जब स्ट्रेच पर कार नहीं चलती है तो वहां पे पोल्यूशन लेवल कम होता है, कंजेशन कम होता है और ये हमने करके देखा है और उसी आधार पे हम करने के लिए बढ़ रहे हैं। बहुत सी ऐसी गाड़ियां जिन्हें आपने छूट दी हुई हैं, पता नहीं कि दिल्ली में गाड़ियों की संख्या तो बढ़ी रही है। लोगों को जो छूट दी गई है उसका मकसद ये है कि हम एक बैलेंस तरीके से चीजों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं और टोटल अगर हम संख्या बता दें तो ये 5% केवल होती है अधिकतम। 5% इसी में साथ में ऑटो वालों का है, जिस समय ये इवन ऑड का चक्कर होगा उस समय ऑटो वालों की मनमानियां होंगी, उसे कैसे आप रोकेंगे और कैसे टीम आप गठित कर रहे हैं? नहीं, अभी हमने इन्फोर्समेंट विंग की ट्रांसपोर्ट में 66 टीमें बना रहे हैं हम लोग और ये टीमें जो है मेट्रो स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, बस अड्डे पे, हॉस्पिटल्स के यहाँ जहाँ जहाँ इस तरह की होती है इनकी क्लोज मॉनिटरिंग करेंगे और ये हम अभी से शुरू कर रहे हैं। क्या कब से? आज से ही मानी जाएगी या फिर कल से? आज से वो राउंड लगाना शुरू करेंगे। यानी अब निगरानी रहेगी पूरी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की, जैसे कोई मनमानी ऑटो वाले ना कर सके? निश्चित रूप से उसकी मनमानी किसी को नहीं करने दिया जाएगा। और दूसरा, देखिए, अभी हमने जो पूछो ऐप लॉन्च किया, पूछो ऐप का मकसद ही यही है कि आप घर बैठे ही आपको उनके आसपास के मोबाइल नंबर मिलेंगे ऑटो वालों के, आप उनसे कॉल करके उनको प्री बुकिंग आप कर सकते हैं। सिविल डिफेंस वालों की भी आज ट्रेनिंग है, तमाम आपके वॉलंटियर्स की भी ट्रेनिंग होगी दिल्ली पुलिस के माध्यम से, तो क्या लग रहा है आप सुकून है? जो आपस में तकरार चली थी तकरार खत्म हो गई? नहीं, आपके वॉलंटियर की कोई ट्रेनिंग नहीं है सिविल डिफेंस जो आप, ये सरकार के वॉलंटियर जो है सिविल डिफेंस के, उनके साथ आज इंटरेक्शन है कि उनको जो है 1 तारीख से क्या करना है और 12 बजे छत्रसाल स्टेडियम में ये इंट्रैक्शन होगा। तो अब दूरी खत्म मानी जाए जो तकरार चल रही थी दिल्ली पुलिस और सरकार के बीच? नहीं, कोई दूरी नहीं थी, गलतफहमियां थी। कल हमने पुलिस कमिश्नर के साथ बैठ करके सारा चीज क्लियर किया उनको। साथ में गोपाल जी का यही कहना है कि पुलिस कमिश्नर समेत सारी गलतफहमियां दूर तो हो गई लेकिन ऑटो वालों पर भी नकेल कसने के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 66 टीम इन्फोर्समेंट की होगी जो तमाम निगरानियां रखेगी और साथ में कार्रवाई करने के लिए तैयार भी होगी। कैमरामैन पुष्पेंद्र के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली।